क्या है भाई? वेनिला? नहीं भाई, नहीं। आई एम सो बैड, मैं परफ्यूम को कैसे डिफाइन करूँ? ठीक है, ऊँट की जो सेंड है, सेंड है सेंड है, नहीं संडा सेंड डाउन डाउन। अच्छा, एक बात मुझे इसमें समझ नहीं आई कि इसमें ये ग्लिटर टाइप चीज़ डालने की क्या ज़रूरत थी। ये देखिए यार, आई एम वेरी बैड, अच्छा, परफ्यूम को डिफाइन करने में। आई डोंट नो, काश ये मैं यूं करती और आप लोग नाक आगे करते और सूंघ सकते। आई विश। खटमल आप मार देते हैं ना, उसमें से वो कड़वी सी सेंट आती है, सेम लाइक दैट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशु। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। भाई क्या हाल चाल है आप सबके? आज बिल्कुल दोस्तों वाली बातें होंगी। बहुत सारी लड़कियों ने बोला था परफ्यूम कलेक्शन दिखाएं, ऐसे मैं कोई आई हूँ सेलिब्रिटी जिसके पास पता नहीं 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार वाली परफ्यूम होगी। बट खैर, मैं वन बाय वन आपको सारी परफ्यूम्स दिखा दूंगी। मुझे है थोड़ा सा क्रेज़, थोड़ा सा मतलब मेकअप को साइड पर रख के थोड़ा सा क्रेज़ है परफ्यूम्स का। लेकिन मेरी जो छोटी बहन है ना सनम, वो हमेशा मुझे कहती है तुम्हारे पास इतनी सारी परफ्यूम्स है, लगाती तो मैं एक भी नहीं हूँ। आपको सारी परफ्यूम जो है ना वो फुल दिखाई देंगी, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ घर के साथ परफ्यूम्स लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दो बॉडी मिस्ट मैंने रखी हुई है वॉशरूम में, बस वो फटाफट कर लेती हूँ बाहर जाते हुए। इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी कि हमेशा परफ्यूम जो है वो रह जाती है। सो अब जो है वो मैंने छोटी सी परफ्यूम अपने बैग में रखी हुई है, उसको करके गाड़ी में ही, और मेरे मियाँ की जेंट्स परफ्यूम पड़ी हुई वो लगाने से रही। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, बिकॉज 50% मेरी जो ऑडियंस है ना उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बस। सो रुक जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो। चलें भाई, वीडियो बिगिंस करते हैं। बिगिंस करो। ये जो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट मैंने की थी परफ्यूम में, पहले मेरे पास इक्का दुक्का थी परफ्यूम्स, लेकिन जो सबसे भारी भरकम इन्वेस्टमेंट मैंने की थी वो थी इस परफ्यूम में। ये मैंने सबसे पहले महंगी परफ्यूम ली थी एंड इसका नाम है वीवा ला जूसे रोज। ठीक है, इसकी सेंट बहुत 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 अच्छी है। अगर आप लोग जानते हो मुझे, यू गाइज नो कि आई लव फ्रेश सेंट, लॉन्ग लास्टिंग, फ्रूटी, एंड जैस्मिन का नामो निशान उसमें ना हो भी तो थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा। सो इसकी सेंट बहुत अच्छी है। मैं सेंट डिफाइन नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन इट इज़ फ्रेश रोजी टाइप, इट इज़ वेरी गुड, द पैकेजिंग इज़ वेरी गुड। अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है यू कैन डेफिनेटली गेट दिस वन। इट हैज़ 100 ml परफ्यूम। ठीक है, थोड़ी कर लेते हैं ताकि हम फ्रेश फ्रेश फील करें एंड हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाए। ये तो मैंने कर लिया, मैं बाकी परफ्यूम्स को स्मेल किस करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट परफ्यूम, यू गाइज नो कि मैंने रिसेंटली इसका रिव्यू किया है। ये है सनम जंग की परफ्यूम, विच इज़ कॉल्ड फॉर एवर क्रश बाय सनम जंग। इसका फुल रिव्यू यूट्यूब पर मौजूद है, अगर आप लोगों ने देखना है तो प्लीज मेरे चैनल पर मौजूद है इसका रिव्यू, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, या आप जो सर्च बार में है लिख दें सनम जंग परफ्यूम रिव्यू निशु, आ जाएगी वीडियो। ठीक है, इसकी सेंट जो है फ्रूटी, फ्लोरल नहीं है, फ्रूटी, फ्रेश एंड लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी सी, नॉट बहुत ज्यादा, इसीलिए आई लव 8। बाकी जो है वो दो वो गई, वो मैंने दे दी। एंड इसमें आपको मिलेगा 100 ml और इसकी प्राइस है 3500 समथिंग, इसकी प्राइस है एक की। इसकी मैंने बताई नहीं क्योंकि मैं भूली पड़ी हूँ, इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 10,000 या 12,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट, मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी एंड उन्होंने बोला निरोली पोर्टोफिनो टॉम फोर्ड, एंड वो लफ्ज़ मेरे दिमाग में चिपक गया एंड आई थॉट कि मैं ये परफ्यूम लेके रहूँगी, बिकॉज वो जिस तरीके से वो प्रोनाउंस करी थी निरोली पोर्टोफिनो, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इसकी सेंट तो इतनी कोई कमाल होनी है ना। और ऊपर से उन्होंने इतनी तारीफ़ें की और बस कितनी तारीफ़ें चाहिए थी तैन, वो मैंने कहा ये लेनी है। अच्छा, बड़ी बॉटल लेने वाली औकात नहीं थी क्योंकि छोटी बॉटल ही इतनी महंगी थी, 27,000 समथिंग थी, तो हमने फिर ये छोटी वाली ले ली। अक्सर लड़कियाँ मुझे आके कहती हैं ये फलानी चीज़ आपने रिकमेंड की थी मुझे सूट नहीं की। इट डिपेंड्स ना, हर किसी का स्किन टाइप डिफरेंट होता है। अब उनका टेस्ट परफ्यूम में चेंज, मेरा चेंज, मैंने उनकी पसंद की ले ली टॉम फोर्ड निरोली पोर्टोफिनो एंड आई डोंट लाइक इट, बट ये मेरे पास पड़ी हुई है बिकॉज इट्स टॉम फोर्ड, यू नो। नेक्स्ट वी हैव जिमी चू। ठीक है, अब इसका नाम मुझे भूला पड़ा है कि ये इसका क्या नाम है, बट द पैकेजिंग इज़ वेरी क्यूट, वैनिटी पे पड़ी बहुत प्यारी लगती है एंड इट स्मेल्स लाइक जब आप कोई खटमल मारते हो उसमें से खट्टी सी सेंट आती है, बिल्कुल वैसी सेंट है इसकी।
फ्रेश खट्टी सेंट, मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि कच्चा आम उस जैसी सेंट है इसकी. आई हैव इट बिकॉज इट इज़ क्यूट. ओके सर, नेक्स्ट वन जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी. अगर आपने जो है वो इन्वेस्ट करने हैं अपने पैसे, यू कैन गेट दिस. इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, गूगल वाजी से पूछते हैं. कैरोलाइना, आगे क्या है बे, हेरेरा परफ्यूम. शोइंग पिक्चर्स दैट मैच. ओके, how to pronounce Carolina Herrera? That's pronounced Carolina Herrera. Carolina Herrera. सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग इज़ वेरी क्यूट, ठीक है, स्लीक, वैनिटी पे बहुत प्यारी लगेगी. एंड इसकी सेंट इज़ वेरी फ्रेश, जैस्मिन एप्पल इसके नोट्स में है, लेकिन जैस्मिन बहुत थोड़ा है तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा. दैट्स वाई ये मेरे पास है एंड आई यूज़ इट. कितनी यूज़ हो चुकी है भाई, इतनी सो चुन्नी सी तो यूज़ हुई है. एज आई सेड कि मैं परफ्यूम्स बहुत कम यूज़ करती हूँ, बाहर निकलते ही मैं परफ्यूम्स लगाती हूँ, जबकि गुनाह होता है. प्लीज़ मुझे मत बताइएगा, मेरे मुझे पता है मुझे पता है. अच्छा, नेक्स्ट जो परफ्यूम है वो मुझे बहुत पसंद है. वो क्यों, एक तो वो रिजनेबल प्राइस में है, दूसरा वो पाकिस्तानी ब्रांड है. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, दिस इज़ फ्रॉम आउटफिटर्स अरोरा. अच्छा, अब जब मैं इसको स्मेल करती हूँ तो ये मुझे लाइट फील होती है, फ्रेश फील होती है, फ्रूटी फील होती है. लेकिन जब मैं किसी और को स्मेल कराती हूँ, ये मतलब टेस्ट कराती हूँ, तो मुझे कहते हैं भाई ये थोड़ी सी हैवी है. हैवी इन अ सेंस कि थोड़ी सी भारी है, कि मुझे लाइट फील होती है. पता नहीं मेरे नाक में मसला है कि उनकी नाक में मसला है, हो सकता है मेरी नाक में मसला हो, लेकिन इट इज़ वेरी गुड. आउटफिटर में तो भाई आप जाएंगे, टेस्टर सामने ही पड़े होते हैं. वाओ, ये बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. नेक्स्ट वन है बोनेंजा सतरंगी के एलियोर. इसका है जैस्मिन, वेनिला, कोकोनट कॉम्बिनेशन. इट फील्स जैस्मिन थोड़ा सा ज़्यादा, बट इट इज़ गुड. अच्छा, नेक्स्ट है नीना रिकी की परफ्यूम एंड 39 एवेन्यू मॉन्टेग्नी. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, वेरी क्यूट. अच्छा जी, आई कांट एक्सप्लेन. तो आई हैव दिस नीना रिकी की परफ्यूम, लुक्स लाइक दिस, पैकेजिंग इज़ वेरी क्यूट. यू कैन सी मैं इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, एहसान कर लिया मैंने इस परफ्यूम पर यूज़ करके. इसके साथ एक्चुअली एक क्रीम थी, बॉडी लोशन था, जो कि यूज़ हो चुका है. ओके, सो नेक्स्ट है जे डॉट की 202 फॉर हर. ये मैंने अपने लिए ली थी और अपने हस्बैंड की मैंने लेके दी थी कोई और, आई डोंट रिमेम्बर, वोकल थी, पता नहीं कौन सी थी. आपने जे डॉट की परफ्यूम में से इन्वेस्ट करना है, यू कैन डेफिनेटली गेट दिस वन. बहुत मजे की परफ्यूम है ये. देन वी हैव दिस आउटफिटर की एक्वा स्प्लैश, वेरी गुड. स्मेल करो, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टॉफीज, कैंडीज, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी सेंट. कैसी, भाईजान का नाक क्लॉग हो चुका है, उनको नहीं पता ये कैसी स्मेल कर रही है. ये जेली, हाँ, एज आई सेड इट इज़ मीठी मीठी, इट इज़ वेरी गुड. अच्छा, सो नेक्स्ट जो परफ्यूम है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी. आप लेंगे, आप रिग्रेट कभी नहीं करेंगे. सो द परफ्यूम नेम इज़ वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल. आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा इसे यूज़ कर चुकी हूँ. अच्छा, इसकी सेंट कैसी है, जब आप फ्रेश शावर लेकर आते हैं बाहर, वो फ्रेश लाइक सुपर लॉन्ग लास्टिंग सेंट है. नेक्स्ट परफ्यूम जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रही हूँ, ये मैंने परचेज की थी फ्रॉम जिमी वूक, एंड इसका नामो निशान नहीं है, बट पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ठीक है. बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, सुपर लॉन्ग लास्टिंग है. चाहे आप परफ्यूम मिनीसो से ले रहे हो, या जिमी वूक से ले रहे हो, या मूसो से ले रहे हो, उनके परफ्यूम कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, रीजनेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. सो दिस इज़ वेरी गुड, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली भी. आप पर्स में लेकर इसको कहीं भी घूम सकते हैं. यू कैन सी कि मैंने यूज़ कर चुकी हूँ कितना ज़्यादा. ओके, सो जो नेक्स्ट परफ्यूम है इज़ फ्रॉम बॉडी शॉप, एंड इसका नाम है जैपनीज चेरी ब्लॉसम स्ट्रॉबेरी किस. इसकी पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, एंड ओ माय गॉड, इट स्मेल्स लाइक स्ट्रॉबेरीज. बहुत मज़े की सेंट है इसकी, एंड ये वाली परफ्यूम आपको किसी भी बॉडी शॉप के आउटलेट से मिल जाएगी बहुत आसानी से. ओके, सो नेक्स्ट जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे इन अ परफ्यूम विच इज़ कॉल्ड ख्याली, एंड ये मोना कतान का ब्रांड है, सिस्टर ऑफ हुदा ब्यूटी. एंड आई थॉट लेट्स बाय दिस, क्योंकि इसका नाम था वेनिला. इसमें दो और भी फ्लेवर्स थे, मस्क और वेनिला, एंड एक और था, आई डोंट रिमेम्बर उसका नाम. लेकिन इसकी जो सेंट है, जब आप इसे लगाते हो, इतनी तेज़ ये आपको चुभती है एकदम से. अगर आप बहुत ज़्यादा लगा लो ना एकदम से, 2-3-4-5 स्प्रे कर लो, तो ये एकदम से आपके नाक को लगती है. अच्छी है, लेकिन ये एक
कौन है इसमें जो कि आई थॉट कि मुझे आपको बताना चाहिए. वैसे इट इज़ वेरी गुड. ओके सो द नेक्स्ट वन इज विक्टोरिया सीक्रेट की परफ्यूम जिसकी पैकेजिंग इज सो क्यूट. ये मुझे मेरी फ्रेंड निदा ने गिफ्ट किया था. थैंक यू सो मच निदा अहमद इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो. सो परफ्यूम देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है ख़त्म हो चुकी है. दिस is so good. विक्टोरिया सीक्रेट की है स्कैंडलस डेयर. एंड इसको ओपन करें एंड फिर यूं परफ्यूम करते हैं, ठीक है, लाइक दिस. पीछे से प्रेस एंड दोबारा से बंद. इसकी सेंट बहुत अच्छी है. आज मेरे से ना सेंट्स का मिक्सचर होना है. ओके सो नेक्स्ट परफ्यूम जो कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव ली थी इज कॉल्ड प्राडा. प्राडा की ये कौन सा फ्लेवर है भाई? आई डोंट नो. इसके अंदर ये व्हाइट व्हाइट डॉट्स क्या कर रहे हैं भाई? नहीं देख, जैसे वो परफ्यूम वो पानी गंदा नहीं हो जाता, व्हाइट व्हाइट डॉट्स होते हैं जिस तरह से. व्हाट हैपेंड प्राडा, व्हाट हैपेंड? ओके ये मैंने 14,000 रुपए की ली थी. प्राडा की है एंड इसका नाम है कैंडी. पैकेजिंग इज वेरी क्यूट. जब आप इसको अप्लाई करते हो, ये रिमूव करके इसको अप्लाई करना होता है एंड इट्स इज कैंडी, तो इसकी सेंट जो है वो काफ़ी स्वीट है. आई लव इट. ओके सो जो नेक्स्ट परफ्यूम है इज फ्रॉम VTX BTS, मतलब के BTS की परफ्यूम लेटलायर ओशन, ठीक है. सो ये जुंगकुक की परफ्यूम है. अगर आप BTS आर्मी में से हैं तो मैं आपको बता दूं इनकी तमाम परफ्यूम्स मुझे रिसीव हुई थी जो कि मैंने दे दी उनके फैंस को. सिर्फ ये ओशन मैंने अपने पास रखी है बिकॉज इट स्मेल्स सो गुड. इसकी सेंट विल रिमाइंड यू ओशन, ठीक है. अगर आप बीच वगैरह पे गए हो ना तो आपको फील होगा इसकी सेंट सेम वैसी ही है. सो गुड. वैसे है ये जेंट्स परफ्यूम बट आई स्टिल हैव इट बिकॉज आई लव इट. नेक्स्ट जो परफ्यूम है मेरे पास इज फ्रॉम कोको शैनल मैडमोजेल. मैंने इसमें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किया, थॉट के लेट्स ट्राई. छोटा पैकेज है, छोटू टिनू साइज के. अगर ये अच्छी हुई तो फिर मैं बड़ा साइज ले लूँगी. थैंक गॉड मैंने बड़ा नहीं लिया, इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए इस परफ्यूम में बिकॉज मुझे जो पसंद होती है लाइट, ये थोड़ी सी तेज परफ्यूम है. ओके सो नेक्स्ट इज जोया. जोया इज फ्रॉम बोनांजा सतरंगी. मेरी तरफ से रिकमेंडेड, इट इज वेरी गुड. द पैकेजिंग इज वेरी गुड एज वेल. अच्छा नेक्स्ट वी हैव दिस वन, जोइला की फ्रूट मेडले बॉडी मिस्ट. फ्रूटी, आई लव इट. मतलब फ्रूट कॉकटेल होता है ना, समथिंग लाइक दैट. फ्रेश एंड द पैकेजिंग इज वेरी क्यूट. अच्छा नेक्स्ट परफ्यूम है वो है लिपस्टिक शेप में. ये मैंने खुद परचेज की थी मून शॉपिंग मॉल से. वाकेंड में अगर आप रहते हैं आपको मिल जाएगी. इट्स कॉल्ड स्टूडियो परफ्यूम. फ्यूशा फ्लेवर है इसका, ठीक है. एंड इसकी सेंट बहुत अच्छी है. ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है. यू गाइस नो कि ये कितनी पुरानी है क्योंकि मेरा पुराना सेटअप पुराने घर में अगर आप लोगों ने देखा हो ये तब की पड़ी हुई है एंड ऑलमोस्ट फिनिश्ड है. बट मैंने पैकेजिंग की वजह से इसको रखा हुआ है बिकॉज द पैकेजिंग इज़ वेरी गुड. लिपस्टिक, उसमें रेड कलर की लिपस्टिक भी थी, आई गॉट द पिंक वन. ओके सर नेक्स्ट जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ये है अपेज जो कि परफ्यूम्स के रेप्लिकास बनाता है बट सेम सेंट बिल्कुल ओरिजिनल परफ्यूम्स की तरह होती हैं. तो मैं पेज मेंशन कर दूंगी. आई डोंट नो नाम क्या था बट खैर इन्होंने मुझे प्लेयर एंड मिस ब्लूमिंग सेंट की थी. दोनों की सेंट बिल्कुल सेम ओरिजिनल की तरह ही है. एंड इन्होंने मुझे YSL की ब्लैक ओपियम भी सेंट की थी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ब्लैक ओपियम. ओपियम ही है ना? हाँ जी ओपियम. तो आप मुझे बताइएगा अगर आप लोगों के पास YSL की ब्लैक ओपियम है तो आपको कैसे लगती है. तो ये थी छोटी सी मेरी परफ्यूम कलेक्शन. ये रही पिंक लव फ्रॉम जिमी वोक एंड दिस इज वेरी गुड. वेरी गुड, वो बहुत फ्रूटी फ्रेश. आई लव इट. रिकमेंडेड. तो ये थी मेरी छोटी सी परफ्यूम कलेक्शन. आई डोंट नो कि किस तरह से परफ्यूम को एक्सप्लेन करते हैं. मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारी परफ्यूम्स के बारे में जानना होगा लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ ये लाइट है, ये फ्रेश है, ये थोड़ी सी हार्श है. इसमें से जैस्मिन की सेंट आती है, इसमें से एप्पल की सेंट आती है. इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती. हर किसी का अपना टेस्ट होता है. तो या और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोग के पास कौन कौन सी परफ्यूम है या आपको कौन सी परफ्यूम पसंद है. प्लीज़ लेट मी नो. एंड मेरी लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली इन दोनों पिक्चर्स में से किसी एक में एक को प्रेस करके मेरी वीडियो देख लें. एंड मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना इंशाल्लाह वो होगी हाउ टू अप्लाई SPF. फुल डिटेल से बनाऊंगी कि किस तरह से आप SPF अप्लाई करेंगे अपने फेस पे मेकअप से पहले मेकअप के बाद. सो मिलते हैं उसी वीडियो में. तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.